गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। कल शाम आप लोगों ने देखा था, हम पुनः एक बार चाचा श्री के यहाँ आ गए थे शाम को, यानी माँ पूर्णागिरी के कल दर्शन हो गए थे। और आज फिर यहाँ से मामा और मैं वापस जाने वाले हैं हल्द्वानी की साइड में। अब देखो आज यात्रा यहाँ से कहाँ तक हो पाती है, लेकिन आज ना सुबह से बहुत ही ज़्यादा कोहरा है, लेकिन हमने जो है सुबह सुबह जाने की तैयारी कर ली है। सुबह सुबह नहीं, वैसे तो 11 बज रहे हैं, पर मामा जी सुबह लेट में उठे थोड़ा बहुत। हाँ, मैं तो लेट में उठा, मेरा बदनाम करो अभी तो उठे हो बिस्तर से। तो आज मैं लेट में उठा एक्चुअली, क्योंकि सच बताऊँ ना कल रात बहुत लेट में सोए थे। और तो तैयार हो मामू? मैं तैयार हो गया। अच्छा, तो चलो फिर चलते हैं। ओ नितिया, हम जा रहे हैं नाती बाय बाय, दूसरे नाती बाय बाय। मामा जी का भी घर है यहाँ पर, तो अभी यहाँ पे भी चलते हैं और उसके बाद चलेंगे सब लोगों से मिलने के बाद। तो इसको कर देते हैं बंद। कौन सा है मामी? ले जाओ, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मामी लोगों ने देखो कितनी अच्छी क्यारी बाड़ी कर रखी है यहाँ पे। वाह, बहुत मस्त लग रहा है। अभी किराए में भी लगा रखे हैं मामी ऊपर कमरे। चलो मामू फिर चलें। अच्छा मामी, बैठो में। तो चलो भैया आप निकलते हैं मामी लोगों के यहाँ से। मामी लोगों से मुलाकात भी हो गई है और साथ में फिर से मामा जी को लेने के बाद फिर हम बढ़ चले हैं सीधे खटीमा होते हुए। नीचे वाला रास्ता जाएगा खटीमा के लिए, पर हम खटीमा बाईपास कर रहे हैं क्योंकि ये नीचे वाला जो रोड है ना वो मार्केट के लिए जाएगा और हम मार्केट अभी जाना नहीं चाहते। और हम सुनसान रास्ते मामा भाने बातचीत करते हुए, क्यों मामू कतई मौज हो रखी है ठंड में? तो क्या होगा फिर? कुछ रिक्वायरमेंट है आपकी? इसीलिए मामा को मैं यहाँ से ले आया, क्योंकि मामा मार्केट में भी टाइम लगा देते हैं, तो इसलिए अच्छा मुंगली घुट्टी 555 से अच्छा थोड़ा बहुत ठंड। मामू अभी ठंड ले लो, शाम को ले लेना फिर वो। शाम को ले लेना। शाम को नहीं यार, आगे लगे भैया। अरे अरे, पवित्र धाम जैसी जगह है, ऐसा नहीं करते मामू। पवित्र धाम दवा दवा से कुछ नहीं हो रहा है, दवा तो लेनी ही पड़ती है। यार धाम क्या करते हैं, ठंड लग जाएगी तो फिर। अच्छा यार, दवा तो मुख्य से ही भाई। तो मामा की दवाई का भी बंदोबस्त देखना है तो आगे आगे। तो चलो जो भी होता है, ये नेशनल हाईवे है तो बहुत मस्त है, सुनसान है। और ऊपर से मामू ड्राइव करोगे आप? गाड़ी चलाओगे? अपने टाइम में तो चलाते थे वाला आप रिक्शा। चलाओ, हाँ चलाओ, चलाओ, ये दबाओ, ऐसे ये ऐसे घुमाओ, हाँ घुमाओ, घुमाओ घुमाओ, हाँ घुमाओ, खींचो। अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो बाबू छोड़ दो। अरे बाप रे बाप, अभी तो कर दिया तो बाबू ने यही में। मामू आप फेल हो, इसीलिए मैंने खाली एक्सीलेटर दिया आपको, आपने एक्सीलेटर में यो 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 घुमा दी गाड़ी पूरी। गाड़ी तो घुमाने का काम है ना गाड़ी को। अरे भैया बच गए, भैया बच गए। देखो गाइस कितने की स्पीड में चल रहा हूँ, 24-25 की स्पीड में चल रहा हूँ आज मैं, क्योंकि परसों बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी ना हमें, इसलिए रास्ता बहुत लंबा है, लगभग 100 किलोमीटर रन करना है। आप देखते हैं कितना किलोमीटर आज राइड हो पाता है, क्योंकि हम वैसे ही वहाँ से लेट में निकले हैं, लगभग 1:30-2 बजे से निकले हैं आज हम। अब 2-3 घंटे में देखते हैं कितनी राइड हो पाती है। ये रास्ते में रुक रहे हैं यहाँ पे, आग सेक रहे हैं, ये देखो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। ये तो हम पहाड़ी दिन बैठे हैं, तो ये बात सरदार जी है। आपके मोजे भी जल रहे हैं यार इससे। जलने दो, औरत का है, शादी शुदा हूँ, घर में छह लोग नौकरी वाले हैं। आप पहाड़ी हो, मैं भी पहाड़ी हूँ। तो छह लड़के अगर नौकरी वाले हैं तो मोजा जलाना जरूरी है? जला दिया, औरत का जलने दो। औरत का जला दिया? जला दिया, जलने दो। तो औरत डांटेगी तो शाम को? मारेगी तो मारेगी, कितना मारेगी? मारती भी है भाभी और क्या। अच्छा
मारे भाट की दाल बना दिया, चावल बना दिया। अच्छा, और कभी से करी खा ले। अच्छा, तो मैं कहा ना खाऊंगा, शाम के लिए फ्रिज में रख दिए। अच्छा, फिर नहीं खाया। अच्छा, पूछो भाई यार ऐसा तो जी, आप जाओ, आपका टाइम हो गया, आप ये जाओ। हमारा टाइम हुआ नहीं हुआ अभी हमारा, तो आप कहा नाना माता, नाना माता चले, मैं चलूँ आपके साथ? नाना हम चले जाएंगे। हाँ तो आप दो लोग हो ना यार, सरार जी आप जाओ यार। अब क्यों जाए यार, आप चले जाओ समय से घर को, नहीं तो बीवी बहुत मारेगी, दोस्त से ज्यादा मारेगी। बाप की नहीं हुई इसकी खराब हो गई। अच्छा, बाप की शादी नहीं हुई तो ये कैसे हुए ऊपर से? वो तो तीन लड़कियां तो हो गई है। ओहो, और चलते चलते शाम होने को जा रही है। अभी हम सितारगंज भी नहीं पहुंचे हैं, सितारगंज से पीछे और नानकमत्ता से आगे हैं। इस दिन राइड करनी होती है ना, उस दिन ब्लॉग नहीं बन पाता है, पूरे दिन भर गाड़ी ड्राइव करते रहो करते रहो, क्योंकि आज ना 100 किलोमीटर रन करना था। और ऊपर से क्या है ना कि हम वैसे ही लेट में निकले थे, और फिर इतना ड्राइव करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठंड के दिनों में ज़्यादा गाड़ी भी नहीं भगानी पड़ती, आराम से चलना होता है ताकि मामा जी को भी कम्फर्ट महसूस हो। क्यों मामू, सही कह रहा हूँ ना? तो गाइस, आज भी हमें अंधेरा हो गया है, हम रास्ते में हैं। अंधेरा हो गया गाइस, हम रास्ते में, अभी हम जंगल में हैं, ये पूरा जंगल है। अभी हम पहुंच गए चोर गिलिया में, और अभी यहाँ लाइट नहीं है ना, तो इमरजेंसी लाइट जल रही है। तो अभी बताएंगे कहाँ पे रुके हुए हैं, सारा बैग सामान सब कुछ यहाँ पे रख दिया है। तो अभी मामा जी, मैं और भैया जी सब लोग जा रहे हैं यहीं पास में, हमारे रिलेटिव के यहाँ जो है बर्थडे है, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे मिलते हैं सब लोगों से। मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम ही विजिट कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ, तो चलो तब तक फिर लाइट भी आ जाएगी तो सब लोग उसे मिलाएंगे। नाइट की पार्टी में जा रहे हैं मामा, डिस्को भैया, डिस्को करोगे ना? डिस्को और देखते हैं भैया बर्थडे में कितना डिस्को करते हैं मामू। और ये लोग करो करके, मैं तो सोचा था नहीं तो आराम। मामू 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 ठंडा हो रहा है, लगाओगे थोड़ा बहुत? नहीं अब काफी लगा लिया है, फिर बाद में लगाएंगे। अरे थोड़ा खाते वक्त लगाएंगे। अच्छा खाते वक्त, अच्छा अच्छा, चलो फिर चलो, तो लाओ चलो चलो। अच्छा अच्छा, मना नहीं करूंगा तुम्हारा, मना नहीं करेगा तो भैया मैं मना नहीं करूंगा। तो चलो, तुमने कहाँ लगा दिए? पहुंच गए भैया ननिहाल, ये मेरा ननिहाल है। बल अब मैं फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ, पर मुझे पता ही नहीं है। हाँ हाँ, मुलाकात करते हैं। वो दीदी है, वो दीदी यहाँ से कुंदन है। एक दिन फोन करो, बड़ मुश्किल है। कितने में उत्तराखंड यात्रा सफल रही? आले चलेगी सर, जो यात्रा ही में नशा कहीं है। आज मेरे को मागबुटी जा रही, तो वहाँ जानो, आज ये सौभाग्य बर्थडे ले छुपे। और तो यस का है बर्थडे, तो अभी